उज्बेकिस्तान के समरकंद में एससीओ समिट में हिस्सा लेने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विदेश यात्रा शुरू हो गई है। विदेश यात्रा पर जाने से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महत्वपूर्ण बयान दिया है। इसके अलावा इस यात्रा और एससीओ समिट को लेकर विदेश सचिव ने भी अहम बातें कही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 15 और कल 16 सितंबर को संघाई सहयोग संगठन एससीओ शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए उज्बेकिस्तान में होंगे। ये शिखर सम्मेलन उज्बेकिस्तान के समरकंद में हो रहा है। उज्बेकिस्तान की अपनी यात्रा से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बयान जारी किया है। पीएमओ की ओर से जारी इस बयान में पीएम ने कहा कि मैं संघाई सहयोग संगठन एससीओ के राष्ट्र अध्यक्षों की परिषद की बैठक में भाग लेने के लिए उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति शौकत मिर्जियोयेव के निमंत्रण पर समरकंद का दौरा करूंगा। पीएम मोदी ने कहा कि एससीओ शिखर सम्मेलन में ग्रुप के भीतर सामूहिक मुद्दों, विस्तार और सहयोग को गहरा करने पर विचारों का आदान प्रदान करने की आशा करता हूं। पीएम मोदी ने कहा कि मैं समरकंद में राष्ट्रपति मिर्जियोयेव से मिलने के लिए उत्सुक हूँ। मैं 2018 में उनकी भारत यात्रा को याद करता हूँ। उन्होंने 2020 में वाइब्रेंट गुजरात समिट में गेस्ट ऑफ ऑनर के रूप में भी शिरकत की। इसके अलावा मैं शिखर सम्मेलन में भाग लेने वाले कुछ अन्य नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठकें करूंगा। इससे पहले पीएम मोदी की यात्रा को लेकर विदेश सचिव विनय क्वात्रा ने भी बयान जारी किया। विदेश सचिव विनय मोहन क्वात्रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बताया कि इस सम्मेलन में क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर बातचीत होगी। इसके अलावा आतंकवाद से निपटने के उपायों पर भी चर्चा होगी। We expect that the discussions during the summit would cover topical, regional and international issues, reform and expansion of SCO, the security situation in the region, our cooperation perspective in the region, including strengthening connectivity, as well as boosting trade and tourism in the region. Samarkand Declaration and numerous other documents are expected to be finalized during the summit. They are currently under consideration of the SCO member countries. SCO summit के दौरान पीएम मोदी की मुलाकातों को लेकर विदेश सचिव ने बताया कि इस दौरान पीएम मोदी की उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति के साथ द्विपक्षीय बातचीत होगी। साथ ही अन्य नेताओं से भी पीएम मोदी की बातचीत होगी। हालांकि विदेश सचिव की तरफ से ये नहीं बताया गया कि पीएम मोदी की मुलाकात शी जिनपिंग और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ से होगी या नहीं। जब विदेश सचिव से पूछा गया कि क्या चीन के राष्ट्रपति के साथ पीएम मोदी की द्विपक्षीय मुलाकात होगी, इस पर उन्होंने जवाब देते हुए कहा कि जैसा मैंने पहले कहा, मेजबान देश के राष्ट्रपति के साथ मुलाकात समेत अन्य नेताओं से मुलाकात होगी। फिलहाल इससे अधिक हम कुछ नहीं कहना चाहेंगे। जैसे जैसे कार्यक्रम आगे बढ़ेगा हम आपको सूचित करते रहेंगे। See, all I will say, which I have mentioned in my opening remarks also, is that besides his bilateral with the host country, chair of the SCO summit, Uzbekistan's Prime Minister, will have other bilateral meetings on the sidelines of the summit, and we would keep you apprised as along the way when the Prime Minister's schedule of these bilateral meeting unfolds as we go along. At this stage, that is all I can share with you. मैं किसी भी चीज़ पे अपना इंटरप्रिटेशन आपके प्रश्न द्वारा जो अंकित है वो नहीं कहना चाहूँगा इस समय। विदेश मंत्रालय की तरफ से बताया गया कि इस समिट के दौरान कारोबार और पर्यटन पर भी बातचीत होगी। पीएम मोदी और राष्ट्रपति पुतिन के बीच G20 और SCO समिट को लेकर भी बड़ी चर्चा होगी। इन दोनों संगठनों की अध्यक्षता अगले साल भारत को मिलने वाली है। ऐसे में दोनों नेताओं के बीच ये मुलाकात काफी अहम मानी जा रही है। यूक्रेन में रूस के आक्रमण के बाद पहली बार पुतिन और प्रधानमंत्री मोदी के बीच आमने सामने बैठक होगी। बैठक में संयुक्त राष्ट्र में भारत और रूस के रिश्तों को लेकर भी बातचीत होगी। मॉस्को ने इसे लेकर संकेत भी दिए हैं। यूक्रेन युद्ध को लेकर भारत ने यूएन में रूस के खिलाफ अहम प्रस्तावों से दूरी बना ली थी। इसके अलावा एससीओ समिट में हिंद प्रशांत क्षेत्र में स्थायित्व के मुद्दे पर भी चर्चा होने की उम्मीद है। जाहिर है उज्बेकिस्तान के समरकंद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महत्वपूर्ण एससीओ समिट में तो शिरकत करेंगे ही, साथ ही कई महत्वपूर्ण द्विपक्षीय वार्ताएं भी करेंगे। राष्ट्रपति पुतिन से होने वाली प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की द्विपक्षीय वार्ता पर तमाम नजरें लगी हैं।
तो वहीं शी जिनपिंग से भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आमना सामना होगा, मुलाकात होगी, लेकिन द्विपक्षीय मुलाकात होगी या नहीं ये बड़ा सवाल है। कैमरामैन विदर्भ के साथ प्रदीप कुमार, टोटल न्यूज़, दिल्ली।